नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसियन न्यूज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। त्योहार के सीजन को देखते हुए आतंकी दिल्ली में हमले करने की साजिश तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी की जानकारी के अनुसार जैश के 3 से 4 आत्मघाती आतंकवादी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी के पास आधुनिक हथियार है। इंटेलिजेंस से मिली इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंकी हमले की आशंका के चलते राजधानी में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली सटे पंजाब में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया था जो बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। इससे पहले SIT ने अमृतसर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास 5 AK-47, 2 राइफल व गोली बारूद बरामद किए गए थे। अहम बात यह है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से आतंकी भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलते देख अब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। हाल ही में पंजाब से 4 आतंकियों गिरफ्तार करने के साथ SIT ने 4 ड्रोन विमान भी मिले हैं, जिसमें से 3 पूरी तरह नष्ट कर दिए जा चुके हैं। ये सभी चीन निर्मित थे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान चीन द्वारा बनाए ड्रोन के जरिए भारत में हमले करना चाहता है, लेकिन भारत भी अपने जवानों के साथ हर एक्शन का मुंहतोड़ रिएक्शन देने के लिए तैयार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, SN News, धन्यवाद।